यूक्रेन के किन इलाकों में रात भर होती रही भीषण बमबारी, रूसी ड्रोन हमलों का यूक्रेन ने कैसे दिया जवाब और यूक्रेन के किस इलाके में पिछले 24 घंटे में 18 बार बमबारी हुई है। रूस यूक्रेन के जंगी मैदान की विध्वंसक खबरों के लिए देखिए वॉर जोन टॉप नाइन। रूसी कब्जे वाले लुहांस में पिछले 24 घंटे में भीषण जंग जारी है। यूक्रेन के हवाई हमलों से रूसी आर्मी को भारी नुकसान हो रहा है। यूक्रेन के गाइडेड बम अटैक में रूस का T-72 बैटल टैंक तबाह हो गया। धमाके के बाद रशियन टैंक धू धू कर चलता नजर आया। यूक्रेन की धरती दिन रात बमबारी से दहल रही है। आधी रात के समय रशियन एयरफोर्स ने TOS-1 सोलन सेपेक से यूक्रेन में बारूदी बौछार की। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर बैक टू बैक कई रॉकेट्स दागे। हमले में यूक्रेन की सैन्य छावनी तबाह हो गई। खेरसोन के रूसी कब्जे से आजाद होने के बाद यहां शांति नहीं है। रूस के विध्वंसक हमलों से लग रहा है कि शायद रूस यहां दोबारा से कब्जा करना चाहता है। रूस ने S-300 मिसाइल हमलों से खेरसोन में दहशत पैदा कर दी है। खेरसोन के बाहरी इलाकों में 5 रूसी स्ट्राइक की खबर है। जंग के 19 महीने बाद भी रूस जीत हासिल नहीं कर पाया है, लेकिन पुतिन हार मानने को तैयार नहीं है। रूसी फोर्स ने ग्रैड MLRS से यूक्रेनी पोजीशन को निशाना बनाकर यूक्रेन की परेशानी को बढ़ा दिया है। वीडियो रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने जारी किया है। खेरसोन के रूसी कब्जे से आजाद होने के बाद यहां शांति नहीं है। रूस के विध्वंसक हमलों से लग रहा है कि शायद रूस यहां दोबारा से कब्जा करना चाहता है। रूस ने S-300 मिसाइल हमलों से खेरसोन में दहशत पैदा कर दी है। खेरसोन के बाहरी इलाकों में 5 रूसी स्ट्राइक की खबर है। बाकमुत में यूक्रेनी फोर्स के 300 जवानों को मार गिराने का दावा रशियन रक्षा मंत्रालय ने किया है। हमले में ग्रैब आर्टिलरी, स्ट्रेला 10 मिसाइल लॉन्चर भी बर्बाद हो गए और यूक्रेनी फोर्स के इंटेलिजेंस स्टेशन का भी खात्मा हो गया। यूक्रेन के नीप्रो पेत्रोवक्स में रूस ने पिछले 24 घंटे में 18 बार एरियल गाइडेड बम से हवाई हमलों को अंजाम दिया है। खबर है कि रूस ने यहां ड्रोन से भी हमला किया है। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि उसने रशियन ड्रोन को हमले से पहले ही मार गिराया। रूस की ड्रोन स्ट्राइक तेजी से बढ़ रही है, जिसके पलटवार में यूक्रेन ने भी ड्रोन हमले तेज कर दिए हैं। वीडियो बर्बोव में यूक्रेन के ड्रोन अटैक का है। ड्रोन से सटीक हमले में देखिए किस तरह से रूसी सैन्य काफिले में शामिल गाड़ियां तबाह हो गई। यूक्रेन के फ्रंट पर रूसी एयरबोर्न फोर्स के हमले जारी रहे। रात भर यूक्रेनी ठिकानों पर बमबारी होती रही। ऑपरेशन को Sukhoi-25, Ka-52 और टोही हेलीकॉप्टर से अंजाम दिया गया। हमलों में यूक्रेन के हथियारों का जखीरा तबाह हो गया।